दिल्ली में जज, नेता, मंत्री और अफसर कार पुलिंग करेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सप्ताह में 3 दिन कार का इस्तेमाल करने का फॉर्मूला अपनाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि उनके मंत्री और अधिकारी भी कार पुलिंग करेंगे। कुछ भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि जनता को तकलीफ हो, ज्यादा तकलीफ हो, और कुछ दिन करके देखते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन करके देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो रोक देंगे उसको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान एक दिन पहले का है। दिल्ली सरकार ने सम विषम नंबर वाली गाड़ियों के एक दिन छोड़कर सड़क पर उतरने की इजाजत का फैसला किया था, लेकिन सरकार के इस फॉर्मूले का विरोध शुरू हुआ तो केजरीवाल ने अपने ही फैसले से यू टर्न ले लिया। पर जब देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने फॉर्मूले की तारीफ की तो केजरीवाल के सुर बदल गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कार पूलिंग करेंगे तो वो पूरे मतलब हजारों लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणादायक होगा, और लोग सोचेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं, फिर तो दिक्कत नहीं है। दरअसल एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने फॉर्मूले का स्वागत करते हुए कहा कि हम इस नियम का समर्थन करते हैं और साथ ही जजों के साथ कार पूल करने को भी तैयार हैं। जरूरत हुई तो बस में सफर करने या शटल लेने को भी तैयार हैं। चीफ जस्टिस के बयान के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री भी उत्साहित हैं। स्वागत योग्य कदम है और इससे उन लोगों के मन में जरूर ये बात पैदा होगी कि अगर चीफ जस्टिस अगर ये हिम्मत कर सकते हैं कि कार पूलिंग करके जा सकते हैं दिल्ली की जिंदगी को बचाने के लिए, तो हमें भी पहल करना चाहिए, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हालांकि इस नए फॉर्मूले से आम जनता असहमत दिखाई दे रही है। आम लोग पूछ रहे हैं जिनके पास एक ही कार है वो क्या करेंगे। इसके अलावा दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि अचानक से आए इस दबाव को झेल पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिफाइनरीज और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन के लिए वो दोनों भी जिम्मेवार हैं। कोई नियम, कायदा, कानून हम बनाने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या हम इसको इम्प्लीमेंट करके जनता को परेशान कर रहे हैं या जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। 8 दिसंबर को इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार एक बैठक करने वाली है। मुमकिन है कि इस फॉर्मूले में कुछ बदलाव भी हो सकता है। 1 जनवरी से नया फार्मूला लागू होना है, यानी वक्त बेहद कम है। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके बिना इस फार्मूले को लागू कर पाना मुमकिन नहीं। कैमरामैन शशि सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।